आज भी भारतवर्ष जिंदाबाद कहा जाता है, लेकिन नागरिकता का कोई जिक्र नहीं है। आज नागरिकता का जिक्र मोदी जी ने उठाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें नागरिकता भारतवासियों को देनी चाहिए। भारत के हम नागरिक नहीं छोड़ रखे इस गवर्नमेंट ने, जाने वाली ने। आज मोदी सरकार आ रही है, मोदी सरकार ने ये जाहिर कर दिया कि भारतवर्ष के अलावा भारत के नागरिक भी भारतवर्ष में रहेंगे, लेकिन नागरिकता की पहचान किसी में भी नहीं है। गुस्ताखी माफ़ करना, मैं जानता कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये सबूत है पक्का। और अगर आप कहें, मैं अपना वोटिंग कार्ड भी दिखा सकता हूँ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हमें कहीं भी नहीं दे रखी है। आज नागरिकता का क्यों जिक्र हुआ? क्योंकि भारत के नागरिक कहाँ हैं, मैं तो समझ नहीं पाया। आज भी भारतवर्ष जिंदाबाद कहा जाता है, लेकिन नागरिकता का कोई जिक्र नहीं है। आज नागरिकता का जिक्र मोदी जी ने उठाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें नागरिकता भारतवासियों को देनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से लिंक नहीं है, मैं हर पार्टी से लिंक रखता हूँ। जो पार्टी मुझे बुलाएगी वहाँ जाने के लिए तैयार रहता हूँ। बाकी भारत का अभी तक कुछ उल्टे लफ्ज भी निकल जाएं तो उन्हें काट देना। जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक मुसलमान राज कर गए, मुसलमानों का पैसा गया हुआ, कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेकर। अंग्रेज लेके चले गए, कोई गवर्नमेंट लेके नहीं आई, लेकिन मोदी सरकार ने कोशिश की उस पैसा को लेने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो पैसा भारतवर्ष में ना आके मोदी सरकार ने उस पैसा को कहाँ लगवाया, ये मोदी सरकार की मेहरबानी नहीं। आज भी हमारा भारतवर्ष सोना की चिड़िया है और सोना की चिड़िया रहेगी। जिस वक्त 1947 में हिंदुस्तान को, जब भारत को आज़ाद किया गया, टुकड़े बना दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मुसलमान गए, आज तक कोई पैसा नहीं आया। अंग्रेज गए, कोई पैसा नहीं आया। पाकिस्तान बनाया हिंदुओं का ही हिस्सा, पंजाब जिसको कहते थे। हमने कभी बचपन में पढ़ा था कि भारतवर्ष की वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी लाहौर बताई गई थी, आज लाहौर पाकिस्तान में दिया गया है। और वही पाकिस्तान जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, आज पाकिस्तान लिए बैठे हैं और भारत की घरामाटी कर रहे हैं। जबकि भारतवासियों के साथ एकता चाहिए थी, एकता जहां होती तो आज भी महान है और ये महान ही रहेगा। ये कार्ड हमारा पिछली गवर्नमेंट बना गई आधार, जो आपकी भारत की पहचान है, भारतवासी की, भारतवर्ष में रहने वालों की अनेक पहचानें हैं, अनेक, एक नहीं अनेक, जीवन से मृत्यु तक उसकी पहचान है कि ये भारत का है। लेकिन इसने काट दिया कि नागरिक नहीं हो, तो हम नहीं चाहते कि हमें नागरिकता कहाँ की है। ये अगर मेहरबानी मोदी सरकार, अगर नागरिकता का भी हमें आज ये ड्रामा नहीं, ये असलियत दिखाई जा रही है कि भारत के नागरिक इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है हिंदू तो हैं ही हैं, हो सकता है क्रिश्चियन भी आ रहे हों, हो सकता है मुसलमान भी आ रहे हों, सरदार भी आ रहे हैं, इस बात को जानने के। जो जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे
मां भारती की संतान है। भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। और भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे। अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने के लिए काम करता है। क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला के रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है, ये भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है, लगातार मीडिया में आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए और बरसों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निधि राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे
माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा उस प्रकार से, मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे, आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी। आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है, तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं।